काकड़े क्रॉपफील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं अरामा कंपनी का फ्लेम्बर्स के बारे में, उसकी डोज के बारे में, उसके उपयोग, उसकी टेक्निकल नाम और उसकी रेट के बारे में, कौन कौन से क्रॉप में काम कर लेता है अच्छे तरीके से, उसके फ्लेम्बर के बारे में टोटली जानकारी आज अपन लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बात कर लेंगे अपन आज फ्लेम्बर के बारे में टोटली, कि फ्लेम्बर के उपयोग के बारे में बात कर लेंगे आप। तो फ्लेम्बर के उपयोग की बात करें तो कौन कौन से क्रॉप में काम कर लेता है अच्छे तरीके से, तो इसके अगर बात करें तो टोटली क्रॉप में काम कर लेते हैं अगर इसकी बात करें तो ये धान, सोयाबीन, चना, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कपास, उड़द, ऐसे सभी प्रकार के सब्जी वगैरह हो या फिर अपने दलहन, ऐसे सभी प्रकार के इसमें काम कर लेता है। जैसे अगर बागवान की बात करें तो बगीचे में भी काम कर लेता है, जैसे कि संतरा, अनार, आम, ऐसे सभी प्रकार के केले में भी काम आ जाता है। ऐसे सभी प्रकार के क्रॉप में काम कर लेता है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो ये का नेचुरल क्या बोलता और भी बात कर लेते हैं अभी इसके कंटेंट के बारे में। अगर इसके टेक्निकल नाम की अगर बात करें तो इसमें अमोनिया एसिड 46.9% है, प्लस अक्वा फ्रैक्शन इसमें 53.1% है। इसके कारण इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसके वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये हरापन लाने के लिए और इसका जो दाना रहता है या फल रहता है उसको गिरने से रोकता है, इसके वजह से ये फ्लेम्बर दवाई बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। इसके कारण ये सभी फसलों में चल जाता है, इसके कारण ये बहुत ही अच्छा। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज दो तरीके से इसका डोज दे सकते हैं अपन, जैसे कि एक का फवारनी के साथ में और दूसरा यूरिया के साथ में। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहला करें तो 25 से 30 ml 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए, जो अपन एक अपने जो खंधा में लेते हैं जो टंकी रहता है वो टंकी में 25 से 30 ml 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए। अगर एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 250 से 300 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए। अगर दूसरे तरीके से इसका यूज करने की बात करें अगर फ्लेम्बर की, तो ये इसको 500 ml एक यूरिया की बोरी के साथ में मिला के, अगर उसको अच्छे तरीके से उसको मिला लें एक बोरी में 500 ml अगर उसको अच्छे तरीके से मिला के अगर उसको अगर अपन ने फेंक दिए ऐसे सभी जगहों पे, मतलब पूरे एक एकड़ में, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन। लेकिन आपको ये जब आपके छोटे छोटे रहता है इतने समय शुरुआती अवस्था में अगर इसको अपने यूरिया के साथ में मिला के अगर अपने ऐसे फेंक दिया तो इसका रिजल्ट गजब है, बहुत ही गजब है। अगर इसके ये अगर क्रॉप को कैसे रखता है, ये क्रॉप में मतलब इस क्रॉप में हरापन लाता है, उसका जड़ को एकदम फैला देता है, खुचड़ी की टाइप बना देता है और इसमें हरापन रहता है। अगर थोड़ी बहुत पानी के अगर कम हो गया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हरापन ला के रखता है। और ये सिस्टमेटिक दवाई है, या तो टॉनिक बोल सकते हैं या तो फिर इसे फंगिसाइड बोल सकते हैं। इस पर एक ऑर्गेनिक है ये, इसके वजह से ये इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं है, सभी प्रकार के क्रॉप में इसका यूज कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें 16 से 17 प्रकार के अमोनियो एसिड है, जो इसके वजह से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। स्प्रे करते समय अगर थोड़ी बहुत अगर पानी भी आ गया, चलो एक उस दिन नहीं,
अगर उसके दूसरे दिन अगर पानी आ गया उसका और वो एक सिस्टमेटिक दवाई है, अगर उसके दूसरे दिन अगर उसके पानी आ गया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका अगर पत्ते में लग जाता है तो पूरे झाड़ दुबार कर देता है। तो इसके वजह से वो दवाई अगर थोड़ी बहुत पानी भी आ जाने के बाद में वो दवाई का नुकसान नहीं होता है, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसका थोड़ी बहुत अगर पानी भी आ गया। आपको मैंने पहले इसका पहले के वीडियो में भी बताया है कि स्प्रे करने के समय पर थोड़ी बहुत ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर अपन इसके रेट की बात करें तो इसके रेट होता है अलग अलग गांव में अलग अलग शहर में अलग अलग रेट होता है, इसका डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। तो हमारे इधर हमारे गांव में ये हमारे मतलब महाराष्ट्र में ये 1000 से 1050 रुपए के बीच में मिल जाता है कहीं पर भी अच्छी तरीके से, या तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है ये दुकानदारों के ऊपर। और अगर इसकी सावधानियों की बात करें तो इसका स्प्रे करने समय में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो आपको पहले भी बताया था कि ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है, और स्प्रे करते समय स्प्रे करने से पहले आपको पेट भर के खाना खा लेना है। पहले वीडियो में भी बताया मैंने, ये अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जब भी आप स्प्रे करेंगे तब आपको आना खाना खाके ही आना है, ये बात याद रखिए, खाना खाके ही आना है। और स्प्रे करने से पहले ये बात इम्पॉर्टेंट है, स्प्रे करने से पहले जो फ्लेमर दवाई है वो फ्लेमर को अच्छे तरीके से हिला लें, अच्छे तरीके से हिला अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद में उसका स्प्रे करिए। और स्प्रे करने के बाद में जो आपके पास में जो फ्लेमर का जो आपके पास में जो बॉटल रहता है तो उसको आप कहीं पर भी फेंके नहीं, उसको एक खेत में एक थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसमें दबा दीजिए नीचे, और वो ये बच्चों के पास से बहुत दूर रखें, क्योंकि दवाई वो बिछड़े भी है, वो बहुत खतरनाक। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो समीर फंगीसाइड के ऊपर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ओके, चलिए।